Hi, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Entertainment. दोस्तों आज का वीडियो एनएमएस के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोग बहुत बेसब्री से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। उनका रिजल्ट आज, कल, परसों, इसी तरीके से काफी सारी वीडियोस आ रही हैं, काफी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, बट स्टूडेंट्स को एक राहत नहीं है कि उनका रिजल्ट फाइनली कब एनएमएस बोर्ड डिक्लेयर करने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट बात, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एनएमएस के अप्रैल 2022 के रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एनएमएस का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है। अब यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर तसल्ली नहीं होती, और सही बात है, मुझे भी नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ और बच्चे भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर रिजल्ट की वो एग्जैक्ट डेट कौन सी है और वो टाइम क्या है जिसमें हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन पहले एक बात बता देता हूँ कि टीएमए के मार्क्स जो है ऑलमोस्ट अपडेटेड हो चुके हैं। सिर्फ 1600 स्टूडेंट्स के टीएमए के मार्क्स और अपडेट होने बाकी रह गए हैं। ऑलमोस्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था 60,000 से 65,000 बच्चों के टीएमए के मार्क्स अपडेटेड नहीं थे, और वो टीएमए के मार्क्स फाइनली एनएमएस बोर्ड ने अपडेट कर दिए हैं। सिर्फ 1600-1700 बच्चे के टीएमए के मार्क्स अपडेटेड होने रह गए हैं, वो भी बहुत जल्द आज शाम तक हो जाएंगे। अब यहां पर जब टीएमए के मार्क्स सारे अपडेटेड हो जाएंगे, इसके साथ साथ रिजल्ट है वो जल्दी आएगा, लेकिन कब आएगा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक काम कर सकते हो, ये पॉइंट नंबर 3 है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो इन वीडियो से बचना, आप चाहते हो कि आपको एक उसी टाइम जैसे रिजल्ट आए बस सबसे पहले आपको पता चल जाए, यही तो आप मेन चाहते हो। देखिए स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, उसे देखने के बाद उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा है कि क्या ये सच बोल रहा है, क्या ये सच बोल रहा है, क्या ये सच बोल रहा है, क्या ये वीडियो अच्छी है। एक सॉल्यूशन है, मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। रिजल्ट मान लीजिए, मैं अगर वीडियो में बोलता भी हूं कि रिजल्ट आपका कल 3 बजे आ रहा है, अगर मान लीजिए कल 3 बजे रिजल्ट आना है, तो क्या उस रिजल्ट को आप 2:55 पे या 2 बजे देख लोगे? आप बताइए, जब रिजल्ट मैंने बोला कि कल आएगा 3 बजे, तो आप उसे 2 बजे थोड़ी देख लोगे, आपको देखने को तो 3 बजे ही मिलेगा ना, अगर मेरी बात सच है। तो यहां पर मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताने वाला हूं कि आप वीडियो चाहे जितनी मर्जी देखें, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका मोबाइल खुद आपको बता देगा कि आप रिजल्ट आ चुका है। बड़े ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है? तो टीएमए मार्क्स ऑलमोस्ट अपडेटेड हो चुके हैं, रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। अब ये कितनी जल्दी आएगा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, इस पे फोकस कीजिए, ये क्या बात है। एनएमएस हेडक्वार्टर्स में जब हमारी बात हुई है टेक्निकल टीम से, तो उन्होंने एक बात बोली है कि हमें जो एचआरडी मिनिस्टर है वहां से हमें जो फोर्स मिला है वो ये मिला है कि जो प्रेशर डेट है वो 14 जून है, यानी कि एनएमएस बोर्ड को 14 जून तक रिजल्ट को डिक्लेयर अगर एनएमएस बोर्ड करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एनएमएस बोर्ड को, यानी कि 14 जून तक का प्रेशर डेट है। उसके बाद एनएमएस बोर्ड पे प्रेशर पड़ेगा या उसके उनसे कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रिजल्ट जो है जो डिक्लेयर किया जाता है वो बच्चों के सारे एग्जाम्स पूरे कंप्लीट होने के ठीक 45 दिन के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो 14 जून से पहले तो कोई बात हो ही नहीं सकती, तो 14 जून तो इनका हो गया प्रेशर डेट। अब एक्सपेक्टेड डेट क्या है, वो है 11 जून की। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि टीएमए के मार्क्स सारे अपडेट हो जाएं, बच्चों के ओ ऑन डिमांड के जो एग्जाम से वो हुए थे मार्च के अंदर, उसका रिजल्ट इन्होंने परसों निकाला, उसके बाद इन्होंने आज, आपको पता है एक दिन का गैप था, आज इन्होंने निकाल दिया ओबी का रिजल्ट। उन स्टूडेंट्स का आपको पता होगा एनएमएस बोर्ड ओबी पे भी काम करता है, तो ओबी का रिजल्ट इन्होंने आज निकाल दिया। अब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड डेट मानी जा रही है क्योंकि टीएमए अपडेट हो चुके हैं, राइट? तो 11 जून जो डेट मानी जा रही है कि 11 जून तक फाइनली रिजल्ट जो है ये डिक्लेयर कर देंगे। 11 जून तक का मतलब बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज शाम भी हो सकती है, हो सकता है आज शाम को 7-7:30 बजे तक आपके पास रिजल्ट आ जाए, या फिर हो सकता है कि रिजल्ट कल पूरे दिन में कभी भी ये डिक्लेयर कर देंगे, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ये एनएमएस बोर्ड ने अपना टीएमए मार्क्स पूरे अपडेट कर दिए हैं, इनका प्रेशर डेट जो है वो 14 जून है, यानी कि अगर एनएमएस बोर्ड 13 या 14 को भी रिजल्ट निकालेगा ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट जो हम मान रहे हैं वो है 11 जून की, यानी कि कल की, क्योंकि एनएमएस बोर्ड ऑलमोस्ट सारे रिजल्ट्स निकाल चुके हैं, ऑन डिमांड का भी निकल गया, आपका ओबी का भी निकल गया, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा, वो बचा आपका रिजल्ट, तो वो बहुत जल्द आने वाला है। कल की एक्सपेक्टेड डेट है कि कल एनएमएस बोर्ड फाइनली अपना कल तक रिजल्ट निकाल देगा। इवन कि ऐसा भी हो सकता है अगर ये 1600 बच्चों के टीएमए जो रह गए हैं ये अपडेटेड हो जाते हैं, तो हो सकता है शाम को भी रिजल्ट निकाल देगा, सारी चेकिंग कंप्लीट हो जाती है, तो अदरवाइज कल का दिन तो फाइनल है ही है, ठीक है? अब मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, बार बार मैसेज कॉल्स इतना ज्यादा, ओहो अनएक्सपेक्टेड कॉल्स रेशियो है मेरे फोन के अंदर, और हो सकता है बहुत सभी लोग ऐसा फेस कर रहे हो। देखिए मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूं, इसके लिए एक सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप अपने मोबाइल पे फटाक से आप ट्विटर को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, ट्विटर लाइए अपने फोन के अंदर, ले आए। अब क्या करना है, आईडी वाईडी बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनी तो बना लो फटाफट,
बना लो, टाइम बचेगा, वीडियोस देखने से जो मैसअप होता है ना माइंड के अंदर वो नहीं होगा। ट्विटर ले लिया, अब उसमें जाके क्या करोगे आप, एनआईओएस, NIOSTWIT, एनआईओएस ट्वीट, इसको फॉलो करो। ये एनआईओएस की ऑफिशियल जो है ट्विटर है जिसको आप फॉलो करोगे। अब क्या होता है, एनआईओएस बोर्ड जब भी कोई रिजल्ट डिक्लेयर करता है तो रिजल्ट डिक्लेयर करने के साथ साथ ही ट्वीट कर देता है कि हम ये रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, ये करने वाले हैं, और उसके 2 या 3 मिनट बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको ये एक अच्छा मीडियम नहीं है? मैंने जो बताया अभी, क्या जरूरत है किसी की वीडियो देखने की? मत देखो वीडियोस। अगर आपको प्रॉब्लम है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं कमेंट करते हैं कि सर अगली वीडियो कब आएगी, अगली वीडियो कब आएगी, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलता हूं, आप ट्विटर पे जाइए, ट्विटर डाउनलोड कर लीजिए, नहीं किया तो जाइए और एनआईओएस की एनआईओएस ट्वीट करके उसको फॉलो कीजिए और एनआईओएस को फॉलो कर लीजिए। जैसे ही आपका रिजल्ट आने वाला होगा, मान लीजिए रिजल्ट आना है कल 3 बजे, तो कल 3 बजे जब आपका रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट के 3 बजे के टाइम पे ही आपका ट्विटर पे मैसेज आ जाएगा एनआईओएस की तरफ से ऑफिशियल कि भाई हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और ऐसे आपको देखना है। वो तक फोटो स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं वो साथ में। बस आपका मोबाइल खुद बता देगा आ गया है। और एक बात बताओ, 3 बजे से पहले आप देख नहीं सकते। मैं कहूंगा कल आ रहा है, अभी देख सकते हो क्या? अगर 3 बजे आना है तो 2:30 बजे भी नहीं देख सकते, देखना तो 3 बजे ही है। तो सच या झूठ का मैटर ही नहीं है, मैटर ये है एनआईओएस बोर्ड अभी प्रेशर में है ही नहीं। 14 जून का प्रेशर डेट है उसका, हम क्यों जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनआईओएस बोर्ड से? तो मैं आपको बताता हूं 11 जून का एक्सपेक्टेड डेट हम लेके चल सकते हैं। आप ट्विटर पे जाइए, ट्वीट जो है ट्वीट एनआईओएस, इसको डालिए मोबाइल के अंदर, बस फॉलो कर लीजिए। जैसे ही मैसेज आता है तुरंत आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए एनआईओएस की, अपना रिजल्ट चेक कीजिए, एनरोलमेंट नंबर चाहिए होता है, कैप्चा डालिए, रिजल्ट आपके सामने है। बस सिर्फ इतना ही आपको करना है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट? तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 11 जून का है और प्रेशर डेट जो है वो 14 जून का एनआईओएस बोर्ड के पास है, जिससे एनआईओएस बोर्ड 14 जून तक आपका रिजल्ट अगर दे तो भी एनआईओएस बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी पीछे से। इसीलिए एनआईओएस बोर्ड अपने टाइम से काम कर रहा है। ये बात जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, ये बात वहां के अधिकारियों ने ही हमसे बात करके हमें बताया है। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। प्लीज थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। 11 जून एक्सपेक्टेड डेट मानी जा रही है, इवन कि आज शाम से लेकर अभी इस वीडियो को देखने के बाद से लेकर 11 जून तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए, टिल इवनिंग रिजल्ट आ सकता है। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।